मध्य प्रदेश के संस्कार थानी जबलपुर में बुजुर्ग की जघन्य हत्या की सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां आपसी विवाद में बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या की गई। इतना ही नहीं, आरोपी बुजुर्ग की गर्दन को काटकर अपने साथ ले गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल विभत्स हत्याकांड की घटना जबलपुर के तिलवारा थाना क्षेत्र के ग्राम परासिया की है, जहां 60 वर्षीय गया प्रसाद पर अज्ञात आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी है। इतना ही नहीं, हत्याकांड के आरोपी बुजुर्ग की गर्दन को काटकर अपने साथ ले गए। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतक गया प्रसाद अपने खेत पर ही झोपड़ी बनाकर रहते थे। थाना तिलवारा अंतर्गत ये ग्राम परासिया झिरे में 3 बजे थाना तिलवारा में सूचना मिली थी कि यहाँ खेत पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसका धड़ से फिर अलग है, जिस पर तत्काल थाना प्रभारी तिलवारा और प्रभारी हमारे DSP तुषार सिंह साहब और हम लोग FSL टीम के साथ मौके पे पहुँचे हैं और अभी यहाँ पे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर रहे हैं और इस पे अभी प्रथम दृष्टया हत्या का प्रकरण हम कायम कर रहे हैं और शीघ्र इस प्रकरण का हम निराकरण करेंगे। क्या नाम था ये मृतक का? नाम अभी जो पता चला है वो गया प्रसाद है, उम्र करीब 60 वर्ष है और ये अपने खेत, इनका खेत ही है और इसी खेत के अपने इनके डेड बॉडी हैं खेत पे लिए। सर इनका शेर अभी तक नहीं मिला? नहीं, अभी तक जो है नहीं मिला है। हम आसपास सभी पिछले 4 घंटे से लगातार हमारी टीमें जो है तलाश कर रही हैं। हम FSL के डॉग स्क्वाड और सभी टीमों से हम उसके तलाश के प्रयास कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।